एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिक्स साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, और जो आज हमारी बुक का नाम है वो MPSE 4 है। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा बच्चों का भी मैसेज देखा मैंने आ रखा था बहुत, कि MPSE 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो फिर मैंने सोचा इसकी भी अभी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम की डेट नहीं पता आपके कि कब है, इसलिए मैं सोचूँ आज ही आपको कर दूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो करा रही हूँ, बट आप 2019 और 18 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर है भी नहीं और सॉल्व करने में भी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास बुक भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है नहीं हार्ड कॉपी। तो इसलिए मैं आपको खाली क्वेश्चंस बता रही हूँ और आप वो भी ज़रूर करके जाना। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार और हिंदू नवजागरण पर एक लेख लिखिए। आपको एक लेख लिखना है जो सामाजिक सुधार और हिंदू नवजागरण जो था उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध पर श्री अरविंदो के बारे में बताना है। जो निष्क्रिय प्रतिरोध था उस पर जो श्री अरविंदो थे उसके बारे में इसमें आपको लिखना है। देखिए, हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। इसमें आपको बताना है कि जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और कैसे उसका उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद पर मौलाना मौदूदी के विचार बताने। जो मौलाना मौदूदी हैं राष्ट्रवाद पर, ऐसा कुछ है उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका, पंडित रामाबाई के प्रतिसत्ता के खिलाफ लड़ाई। जो पंडित रामाबाई, उन्होंने प्रतिसत्ता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में आपको बताना है, उनकी किस प्रकार से भूमिका थी। आदिवासी पहचान को चैंपियन बनाने पर जयपाल सिंह, आपको जो आदिवासी चैंपियन के ऊपर जो जयपाल सिंह ने उनको सपोर्ट किया था आदिवासियों को, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है आपका, धर्म और राजनीतिक के संबंधों पर गांधी, आपको बताना है धर्म और राजनीतिक के संबंध में जो गांधी जी की विचारधारा है उसके ऊपर। आगे देखें, जवाहरलाल नेहरू की संस्कृति का सिद्धांत, आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू की संस्कृति किस प्रकार से थी। आगे देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वैचारिक और वैचारिक की वैचारिक अभिविन्यास के बारे में बताना है। फिर है, मध्यमकालीन भारत में राज्य और प्रभुसत्ता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, कि जो मध्यकालीन भारत में जो संप्रभुता थी उसके ऊपर आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर की स्वतंत्रता और आत्म सशक्तकार का सिद्धांत। नेक्स्ट है, MN रॉय का कट्टरपंथी मानववाद, आपको बताना है कि जो MN रॉय है उसका जो कट्टरपंथी उन्होंने की विचारधारा है उसके ऊपर। फिर है, 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद व औपनिवेशिक आधुनिकता पर निबंध लिखे। आपको जो 19वीं शताब्दी में जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था और औपनिवेशिक आधुनिकता था उसके बारे में। नेक्स्ट है, एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फुले की भूमिका विस्तार से वर्णन कीजिए। जो ज्योतिबा फुले थी उनकी जो क्रांतिकारी भूमिका है उसके बारे में बताना है। फिर राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों और चरमपंथियों की तुलना, जो नरमपंथी होती है और जो चरमपंथी होती है उनकी तुलना करनी है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, और प्लीज़ आप 2019 और 18 का भी क्वेश्चन पेपर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना जिनके पास ये बुक और ये कार्ड है, जिनको ये एग्ज़ाम देने, क्योंकि जो MA सेकेंड ईयर होता है उसमें सब स्टूडेंट अलग अलग कोड, अलग अलग बुक होती है उनके पास, क्योंकि खुद से अलग अलग बुक्स को चुनते हैं। तो इसलिए आपको पता होगा उनको आप शेयर कर देना, और आप प्लीज़ वीडियो को आपने पूरा देखा तो उसको लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और जो मैं बता रही हूँ 19 और 18 का करके जाना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जैसे जैसे जिस पे ज़्यादा कमेंट होते हैं मैं उस पे पहले वीडियो बना देती हूँ, ताकि हाँ उन स्टूडेंट्स की जल्दी जल्दी हेल्प हो सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका MGPE 11 है, और जो आपका अभी MGPE 8 है, अभी बहुत सारे आपके MED 2 हैं, तो इन सब पे मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगी आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिए सब स्टूडेंट, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मैंने देखे, तो मैं इसके लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी, और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करा दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एग्ज़ाम से पहले ही आपका 1-2 दिन पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।